दोस्तों अगर हम शानदार एक्शन मूवीज की बात करें तो उसमें जेम्स बॉन्ड की मूवीज का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जेम्स बॉन्ड के किरदार को निभाने वाले पहले व्यक्ति की, जिन्होंने सबसे पहले जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था और वहीं से जेम्स बॉन्ड मूवीज की शुरुआत हुई थी। जेम्स बॉन्ड एक्शन मूवीज की सीरीज में कई सारे कलाकारों ने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है, लेकिन आज भी लोग जिस कलाकार को जेम्स बॉन्ड की सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उनका नाम शेन कॉनरी है। शेन कॉनरी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाना क्यों छोड़ दिया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब तक जेम्स बॉन्ड सीरीज में जितनी भी मूवीज बनी हैं, उन सभी मूवीज में टोटल 7 एक्टरों ने यानी कलाकारों ने काम किया है और उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले सभी एक्टरों में शेन कॉनरी सबसे धनी एक्टर हैं और इस अकेले एक्टर का नेटवर्थ $350 मिलियन है। शेन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड की सीरीज में टोटल 6 मूवीज में काम किया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करना छोड़ दिया क्योंकि अपनी चौथी फिल्म के बाद शॉन कॉनरी को पता चला कि जेम्स बॉन्ड मूवीज बनाने वाला डायरेक्टर गोपनीय तरीके से ऑडिशन कर रहे हैं ताकि पुराने जेम्स बॉन्ड को हटाकर उसके जगह नए जेम्स बॉन्ड को लाया जाए, और इसी वजह से शॉन कॉनरी ने ऐलान कर दिया कि वो इस मूवीज में काम करना छोड़ रहे हैं। यू ओनली लिव ट्विस के बाद शेन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड की सीरीज में काम करना छोड़ दिया क्योंकि जब शेन कॉनरी की आखिरी मूवी रिलीज हुई और उसको देखने के बाद उनके दर्शकों ने उन्हें थका हुआ बताया, क्योंकि जेम्स बॉन्ड एक एक्शन मूवी है और इस एक्शन मूवी में रोल प्ले करने के लिए शेन कॉनरी की अब उम्र हो चुकी थी और उसके बाद अंतिम मूवी नेवर से नेवर अगेन में रोल प्ले करके उन्होंने काम छोड़ दिया। बॉन्ड जेम्स बॉन्ड। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।